वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आर्टी हब। आज एक खाली ग्लास बॉटल है, वाइन बॉटल, तो उसको डेकोरेट करेंगे। तो उसको पहले क्लीन कर लेते हैं अच्छे से साफ़ करके, फिर उसको मैंने ग्लू गन से उस पर डिज़ाइन बनाया है। उसमें रेक्टेंगल या ट्राइंगल जो भी बनता जा रहा है उसको पूरी बॉटल में ऐसे ही लगातार बनाएंगे। पूरी बॉटल को मैंने इसी से भर लिया है। चारों तरफ एक जैसा, ये बहुत जल्दी बन जाता है। बेसिक डिज़ाइन जो है ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो पूरा इसी तरह से ग्लू गन को ये जब थोड़ा गर्म हो जाती है तो उसके बाद कंटिन्यूस इसमें बहुत अच्छे से ग्लू फ्लो होता है और जल्दी जल्दी बन जाता है सब। तो पूरा बॉटल में इसी तरह से देखिए, ये पीछे की तरफ से भी दिख रहा है इसका डिज़ाइन इस तरह से। पूरी बॉटल में कंटिन्यू करना है तो पूरी बन जाएगा। फिर जो नेक में ऊपर है वहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइंस किए हैं, वहाँ पे ट्रायंगल्स नहीं बनाए हैं, सीधा सीधा वर्टिकल लाइंस दी हैं मैंने। उसके बाद ये ग्रीन पर्ल कलर है, उसको मैंने करीब करीब 1/3 बॉटल में किया है। तो स्पंज है ये, इसको लेके इसमें कलर लिया है, उससे अच्छे से पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। इसके बाद ये दूसरा कलर लिया है, इसको ये जो ग्रीन कलर लगाए इसके ऊपर लगाएंगे। तो मैंने यही जो स्पंज है इसी में इस कलर को लगाया, पहले से इसमें ग्रीन कलर भी लगा हुआ था। तो इसका कलर देखिए, येलो कलर से ग्रीन कलर मिलके हल्का थोड़ा सा लाइम ग्रीन टाइप हो गया है। तो ये लग गया है। अब तीसरा ऊपर ऑरेंज कलर लगाऊंगी, ऑरेंज पर्ल कलर है, इसको ऊपर में लगाएंगे। ये ऊपर नेक तक लगा दूंगी, ये भी इसी स्पंज से लगाया है इसलिए थोड़ा सा ऑरेंज में भी इसका टिंट आ जाएगा थोड़ा सा। इस तरह से पूरा नेक तक इसको इसी कलर से कवर कर देंगे। पूरा अच्छे से चारों तरफ ये लगा के उसके बाद फिर इसको सूखने के लिए रख देती हूँ। सूखने के बाद फिर उसको सिल्वर कलर लिया है मैंने, तो जहाँ ऑरेंज कलर किया हुआ है उस पर पूरे जो रिब्स इसका ग्लू गन का जो आया हुआ है उठा हुआ जगह उसमें पूरा सिल्वर कलर करूँगी। इसके ऊपर सिल्वर उस पर जो ग्लू गन का पोर्शन है उठा हुआ उस पर किया है मैंने, और उसके नीचे मैंने
ये ब्रॉन्ज मेटलिक कलर है, इसको नीचे पूरे बाकी बचे हुए पोर्शन में जो ग्लू गन की बनी हुई डिज़ाइन है उसके ऊपर ऊपर हाईलाइट जैसे इसको ब्रॉन्ज कलर से कर दूंगी नीचे। चारों तरफ ये देखिए हो गया है, ये बहुत जल्दी बनता है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। ये ऊपर भी मैंने एक ग्लू गन का मेरे पास एक फ्लावर है बना हुआ, उसी से उसको मैंने इसको कैप बना दिया उसका, तो ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।